मैं नीतू सिंह राठौर अपने चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाहर का पकौड़ा तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं घर में वैसा ही मसाला रेडी करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग बाहर से खाना बंद कर देंगे और घर में बनाएंगे, ताजा बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे और खा के सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। नाउ ये देखिए, मैं बेसन ले रही हूँ। पहले आप ये ध्यान रखना है कि कितना लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं तो 3 चम्मच बेसन लूँगी क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। और इसी के साथ मैं लूँगी मिर्ची पाउडर, जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चटपटा बन जाएगा। तो आपको लगेगा कि मैं मार्केट में ही खा रहे हैं। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये हमारा नमक है 1 चम्मच। और ये हमारा लास्ट है चावल का आटा, हमारा 1 चम्मच चावल का आटा है। चावल का आटा डालने से बेसन में हमारा पकौड़ा बहुत कुरकुरा बनेगा, तो इसको भी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी और इसको मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। अब ये तो मसाला इस तरीके से रेडी हो गया है, ये तो कॉमन है। अब इसको कैसे मार्केट के जैसे हम लोग बनाएंगे, इसके लिए एक सरप्राइज है, मैजिक है मेरे पास। वो मैजिक अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब ये हमारा है लहसुन का कली, इसको बिना छीले हम लोग इसमें रखेंगे और इसको बोलते हैं हम लोग बिहारी में कूट देंगे। अब इसको, अब ये हमारा मसाला अब ऑलरेडी मार्केट के जैसा रेडी हो गया, क्योंकि मार्केट में इसी तरीके से बनाया जाता है, जिस कारण से हम लोग को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये तो हो गया लहसुन का बात। अब हरी मिर्च को भी इसी तरीके से कूट के रखेंगे हम लोग, तो ये और भी ज़्यादा स्पाइसी तीता होगा। बट मैं बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी। ये हमारा बेसन हो गया रेडी, मसाला का बात हो गया। मैंने इस तरीके से मसाला, बट मैंने सोचा जब मसाला बना रही हूँ तो मैंने पहले से ये रेडी करके रखा था। तो आज मैं आलू का पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ कैसे बनाना है। पहले इसको आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इतना लेंगे, उसको पेड़ा बना के राउंड करके इस तरीके से करेंगे और ये हमारा मैजिक मसाला में डिप करेंगे इस तरीके से। और तेल हो गया है हमारा गर्म, अब इसके अंदर डालेंगे। देखिए नाउ हमारा ये आलू का पकौड़ा रेडी हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है, साउंड तो आ ही रहा होगा। और उसके साथ जब हम लोग ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट अंदर है और बाहर से कुरकुरा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मसाला रेडी करें और अच्छे से कुरकुरा पकौड़ा बना के खाएँ।